रुक करते हैं प्रदेश की ओर। उपचुनाव में धर्मशाला से विजयी हुए भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक विशाल नेहरिया का कंद्रोल पहुंचने पर भाजयुमो के जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर की अगुवाई में दर्जनों युवाओं ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर विशाल नेहरिया ने युवाओं को संबोधित करते हुए सबसे पहले धर्मशाला की जनता का धन्यवाद किया और कहा कि युवाओं के हित के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हालांकि राजनीति में नए हैं, लेकिन जनता की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। उपचुनाव में धर्मशाला से विजयी हुए भाजपा के नव निर्वाचित विधायक विशाल नेहरिया का कंद्रौर पहुंचने पर भाजयुमो के जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर की अगुवाई में दर्जनों युवाओं ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर विशाल नेहरिया ने युवाओं को संबोधित करते हुए सबसे पहले धर्मशाला की जनता का धन्यवाद किया और कहा कि युवाओं के हित के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हालांकि राजनीति में नए हैं, लेकिन जनता की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में भी कई समस्याएं हैं, जिनका समाधान करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। इस अवसर पर भाजयुमो के जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारियों ने नेहरिया को बधाई दी और उन्हें सफल एवं कुशल भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं दी। युवा मोर्चा बिलासपुर के जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि ये जीत हर आम कार्यकर्ता को दिवाली का तोहफा है। लोगों का जो अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ऊपर है, उसको लोगों ने इन चुनावों में बताया है। सारे मुद्दे और मुद्दों को लेकर हम लोगों ने चुनाव भी लड़ा है, चाहे वहाँ पर पर्यटन के दृष्टिकोण से हो, चाहे वहाँ पर हम शिक्षा प्रणाली की बात करें, चाहे धर्मशाला शहर के सौंदर्यीकरण के लेकर बात करें, साथ ही साथ जो हमारा स्मार्ट सिटी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उसको पुनः गति देने का हमारा कार्य रहने वाला है। ये सारे कामों को लेकर हम लोग जो वहाँ पर कार्य करने वाले हैं और हम लोगों ने कार्य शुरू भी कर दिए हैं। निरंतर अब प्रवास मेरा जो चलने वाला है पूरी विधानसभा में, और हम लोगों ने इसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म तैयार कर लिया हुआ है। इसको हम लोग जैसे ही हमारा शपथ ग्रहण होगा उसके बाद हम लोग शुरू करने वाले। आज शिमला जा रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, हम लोग वहाँ से दिशा निर्देश जैसे ही हम लोगों को मिलेंगे वैसे ही वापस आते हम लोग अपने कार्य को सुचारू रूप से शुरू करेंगे। देखिए जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हूँ। हम लोगों को पार्टी ने जब जब दिशा निर्देश दिया है तो उस दिशा निर्देश को हम लोगों ने ईमानदारी के साथ कार्य किया पार्टी के लिए। तो युवाओं के लिए यही मेरा आग्रह रहेगा कि आप लोग भी निरंतर पार्टी के कार्य में लगे रहें। जब जहाँ जैसे ही पार्टी को आवश्यकता पड़ती है उस आवश्यकता पर आप खड़ा उतरिए। निश्चित तौर पर कल आपका है और कल आपके ऊपर भी पार्टी विश्वास जताएगी।